हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करवा रहे हैं सेकंड टॉपिक, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये सेकंड कंपाउंड है आफ्टर कास्टिक सोडा। ठीक है, देखो हमारे सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, हम उस वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं पहले। कैसे? सोडियम क्या होगा जिसमें सोडियम सब्सटेंस एलिमेंट प्रेजेंट हो। कार्बोनेट मीन्स उसमें कार्बोनेट ग्रुप प्रेजेंट हो। डेका, केमिस्ट्री में डेका का मतलब होता है 10। और हाइड्रेट, इस हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट 10 और हाइड्रेट मीन्स वाटर। तो इन सबको जोड़ते हैं तो हमारे सामने ना एक फॉर्मूला बन के आएगा। क्या कैसे फॉर्मूला बनेगा वो भी देख लो। सोडियम को आपको पता है प्लस चार्ज होता है, कार्बोनेट आयंस पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम इसकी वैलेंसी काउंट करें तो इसकी वैलेंसी 1 होगी सोडियम की, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होगी। और वैलेंसी को आपस में क्रॉस करते हैं तो हमारे सामने फॉर्मूला बन के आएगा Na2CO3। क्या बन के आया? सोडियम कार्बोनेट का आया। इसके बाद कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 10। किसके? वाटर के। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में ऐड होते हैं, ऐड के लिए में डॉट लगाएंगे और 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के। ठीक है, तो हमारे सामने एक फॉर्मूला बन के आया, दैट इज नोन एज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? Na2CO3 डॉट 10H2O। बुक्स में हो सकता है इसको सोडियम कार्बोनेट भी लिखते हैं जनरल फॉर्म में, तो वो भी सही है। लेकिन अगर सोडियम कार्बोनेट पर्टिकुलर किसी कंपाउंड का नाम पूछे तो सोडियम कार्बोनेट का मतलब होता है Na2CO3। ठीक है, थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, क्लियर है। लेकिन अगर हम दोनों जैसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट लिखते हैं या सोडियम कार्बोनेट नियर अबाउट सेम मानते हैं, जैसे इसका जो हम सिंथेसिस में यूज करेंगे, वैसे इंडिविजुअल दोनों में डिफरेंस होते हैं, क्लियर है। ये तो है इसका फॉर्मूला और इसका नाम। इसके बाद हम चलते हैं इसका कॉमन नेम। इसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? तो कॉमनली जिस नाम से इसको जाना जाता है, उस कॉमन क्या है वो? वॉशिंग सोडा, या फिर इसको पाउडर भी कह सकते। तो क्या नाम हमारे सामने आया? वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर कह सकते हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, उसका नाम, उसका फॉर्मूला, कॉमन नेम, ये सब हमें क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, मतलब अगर हमें वॉशिंग सोडा को बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेटा हम एक प्रोसेस यूज करते हैं, सोलवे अमोनिया प्रोसेस। ठीक है, उसकी डिटेल अभी हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हमें शॉर्ट फॉर्म में इसको समझना है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बाय किस तरीके से मैन्युफैक्चर करते हैं? प्रोसेस का नाम है सोलवे अमोनिया प्रोसेस। ठीक है, सोलवे अमोनिया प्रोसेस, इसकी डिटेल हमें नहीं पढ़नी, सिर्फ हमें नाम पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशंस कैसे होती है वो पढ़ते हैं। प्रिपरेशंस कैसे होगी? सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं प्रिपरेशन के, वन बाय वन सभी स्टेप को समझते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको किया जाता है हीट, ये निशान होता है हीट का, तो किसमें कन्वर्ट होंगे? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ये फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो CO2 गैस है इसको दोबारा हम यहाँ पे लिखेंगे CO2 गैस, ये जुड़ेगा किसके साथ? ब्राइन सॉल्यूशन मींस NaCl सॉल्यूशन प्लस अमोनिया आयन प्लस वाटर। ठीक है, CO2 गैस, NaCl, अमोनिया प्लस वाटर, ये सब चीज आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? NaHCO3।
sodium bicarbonate plus NH4Cl. ठीक है, क्या बनेगा NH4Cl, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, और ये कंसेंट्रेट सॉल्यूशन को कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन. ठीक है, अब समझ में आया. अब क्या करना है, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये स्प्रिंगली सॉल्युबल, वाटर में कम अमाउंट में सॉल्युबल होता है, दैट इज स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर. तो इसलिए क्या कर लेते हैं, और जो अमोनियम क्लोराइड होता है ये सॉल्युबल होता है, तो हम क्या करते हैं दोनों को सेपरेट आउट कर लेते हैं. ठीक है, तो जो सॉल्युबल नहीं है उसको फिल्टरेट आउट हो जाएगा, हमें इसी की जरूरत है, इसकी अभी जरूरत नहीं है. तो क्या होगा थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या देखोगे कि ये जो है हमारे पास तीसरा सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको हीट अप करेंगे. ठीक है, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट करेंगे, तो ये कंपाउंड Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 गैस प्लस वाटर में डिसोसिएट हो जाता है. ठीक है, अब ये Na2CO3 जो डिसोसिएट हुआ है इसमें कोई भी वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसलिए इसे कहेंगे सोडा एश. क्या कहेंगे, सोडा एश. अब इस सोडा एश को फर्दर लेके जाएंगे फोर्थ स्टेप की तरफ, Na2CO3, इसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के क्रिस्टलाइज करने पड़ेंगे, मतलब एड अप करने पड़ेंगे, तो हमारे सामने बन के आएगा Na2CO3.10H2. और यही हमने अभी फॉर्मूला समझा है, किसका फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का. तो ये प्रिपरेशन स्टेप्स हैं जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर कर सकते हैं, सोलवे अमोनिया प्रोसेस का नाम है जिससे हम ये जो प्रिपरेशन है कर सकते हैं. क्लियर है, क्या रिएक्शन थे एक बार दोबारा समझते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में डिसोसिएट हुआ, उसके बाद CO2 के साथ NaCl ब्लाइंड सॉल्यूशन अमोनिया प्लस वाटर कंबाइन किया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बना. अब इसमें क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट स्प्रिंगली सॉल्युबल है, इसको फिल्टरेट आउट कर लेते हैं, इसको हीट करते हैं 30 to 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस H2, सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं सोडा एश. ठीक है, अब इस सोडा एश के साथ 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड करेंगे तो क्या बन जाए Na2CO3.10H2, दैट इज वॉशिंग सोडा. तो ये है प्रिपरेशन स्टेप्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. क्लियर हो गया. इसके बाद हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, मतलब वॉशिंग सोडा को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में. तो पढ़ते हैं यूजेस. ठीक है, कहाँ यूज करेंगे, सबसे पहला इट इज यूज्ड इन washing the clothes, washing of clothes में use करते हैं. पहला है सबको बताया washing soda है, washing powder कहाँ use किया जाएगा, कपड़ों को धोने के काम आता है. दूसरा it is used in the preparation of borax glass. Borax glass जो होते हैं high temperature पर heat break नहीं होते, that is borax glass. उसकी preparation करने के लिए हम किसका use करते हैं, हम कह सकते हैं washing soda का use करते हैं. ठीक है, अगला है it is used as a agent. It is used for removing hardness of water.
वाटर जो होते हैं हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर होते हैं। हार्ड वाटर कब होगा? जब किसी वाटर में डिजॉल्व कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं, वो हार्ड वाटर होता है। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग द हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, मतलब सॉफ्टनेस प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। समझ में आया? ठीक है, और लास्ट है, इट इज ए लेबोरेटरी लेबोरेटरी रिएजेंट। इसको लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में यूज करते हैं। तो ये सब कुछ यूजेस थे किसके, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के। क्लियर हो गया? पहले के बाद दोबारा बता देता हूँ सारे। इट इज यूज इन द वॉशिंग ऑफ क्लोथ। कहाँ यूज करते हैं? वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स में यूज करते हैं। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बॉल्स।